हे गाइज नमस्कार। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिस पे आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था। वो वीडियो था कि अगर आप पर कोई केस चल रहा है तो क्या आपका कोई गवर्नमेंट जॉब लग सकता है या नहीं लग सकता। उसमें कमेंट बॉक्स में बहुत लोगों के कॉमेंट आए और मैंने हर एक कॉमेंट का जवाब दिया है। तो एक कमेंट आया है जो लगातार आता रहता है, तो मैंने सोचा कि उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी चाहिए। तो वो था कि अगर 107-16 में आपके ऊपर 107-16 हुई है या आप उसमें जेल गए हैं तो क्या आपकी उस टाइम पे जॉब लग सकती है नहीं, या आपको वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम आएगी या नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको बता दूँ 107-16 और 151 का थोड़ा और क्लैरिफिकेशन आपको दे देता हूँ। तो सबसे पहली बात, जो आपका सवाल था कि क्या अगर 107-16 या 151 अगर हो जाती है आप पे तो क्या आपका गवर्नमेंट जॉब लग सकता है, तो इसका आंसर है बिल्कुल, आपका इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, गवर्नमेंट जॉब आपके लिए लग सकता है। लेकिन उससे पहले साथ साथ समझ लेते हैं कि ये है क्या। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद जिसमें आप जेल भी चले जाते हैं उसके बाद भी आपका जॉब लग जाएगा, और माफ़ करना एक्चुअली पीछे से थोड़ा बहुत इधर उधर से आवाज़ें आ रही होंगी तो इसे थोड़ा सा इग्नोर करना। तो अब बात करते हैं कि देखिए 107-16 क्या होता है। अगर आप इसको थोड़ा डीप जाएंगे तो CRPC 107-16 और 151 तीनों को एक साथ लेते हैं, तो ये सिर्फ इसमें पुलिस को पावर दी गई है कि अगर कोई क्राइम होने वाला हो, अगर पुलिस को लगता है कि यहाँ पे कोई क्राइम होने वाला है तो वहाँ पे 107-16 में जो पुलिस है उसका चालान कर देती है या 107-16 लगा देती है। और 151 में होता है कि यहाँ पुलिस को लगता है कि ऑन द स्पॉट आपको अगर खुला छोड़ दिया जाएगा तो आप कोई ना कोई अपराध कर देंगे, तो वहाँ पे आपको जेल में डाल देती है पुलिस बिना किसी वारंट के, वहाँ हो जाती है 151। लेकिन ये एक प्रिवेंटिव है, पुलिस को पावर दी गई है क्योंकि पुलिस को उस टाइम पे लगता है कि आप कोई अपराध कर देंगे, इसलिए पुलिस ही एक्शन लेती है। अब आप कहेंगे कि पुलिस को क्या ही पता चलेगा कि आप कब अपराध कर रहे हैं कब अपराध नहीं कर रहे हैं। इसे हम उस एग्जांपल अपनी जो बेसिक लाइफ है उसे रिलेट करके ऐसे करेंगे। मान लीजिए कोई बच्चा छत पर, आप ही का कोई बच्चा है, वो छत पर पतंग उड़ा रहा है और पीछे कोई बाउंड्री नहीं है, तो उसको क्या है कि वो बार बार पतंग उड़ाते हुए बिल्कुल उस वॉल पे चला जाता है जहाँ वो गिरने की कगार पे है। और अगर वो इधर आता है तो इधर कुछ नुकीले कांटे हैं जिसमें अगर वो गिरा तो भी उसे चोट लग सकती है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, उसमें आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आप क्या करते हैं कि उस बच्चे को वहाँ से कि वो गिर ना जाए। अगर वो इधर गिरता है, आपको लगे ना कि अगर भाई ये पतंग उड़ा रहा है, पतंग उड़ाते हुए इसका ध्यान अगर इधर उधर हो जाता है तो वो कुछ कर ना दे, गिर ना जाए, चोट ना लगवा ले अपने, तो वो वहाँ से उसे बच्चे को उठा लिया जाता है। अगर वो मान जाता है पहले, अगर उसे पहले बोला जाता है और वो अगर मान जाता है तो वो हुई 107-16 CRPC। अगर वो आपके कहने के बावजूद भी नहीं मान रहा है, आपको आप कह रहे हैं और वो ऐसे टलका रहा है कि चलो कोई ना सह लेंगे थोड़ा, तो उस कंडीशन में क्या है कि जब आपकी वो बात नहीं मानता तो आप उसे वहाँ से ज़बरदस्ती उठा के जब उसे ले आते हैं तो वो हो गई 151। सेम केस में आपके पुलिस जो करती है वो यही करती है कि अगर आप उनकी नॉर्मल बात मान लेते हैं, एक वार्निंग टाइप की होती है, वो हो जाती है 107-16 जिसमें बाउंड आपको पुलिस जो बाउंड कर देते हैं, बॉन्ड भरने पड़ते हैं आपको कि आप कोई क्राइम नहीं करेंगे, तो वो हो गई 107-16 CRPC। और अगर आप नहीं मानते हैं फिर भी आपको पुलिस को ज़्यादा चांसेस लगते हैं कि आपको अगर खुला छोड़ा गया तो आप कोई ना कोई क्राइम कर देंगे, तो वो हो गए 151। तो पुलिस यहाँ पे क्राइम होने से पहले किसी चीज़ को एक्शन ले रही है, तो ये कोई क्राइम नहीं हुआ आपका, इसका गवर्नमेंट जॉब पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मिलते हैं किसी दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे सीधा इंस्टाग्राम पे मुझे भेज सकते हैं, अगर वो सवाल कॉमन निकला तो मैं उस पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं किसी दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।